नमस्कार, मैं हूं दैनश्री केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद ही राज्य में चुनाव की हलचल भी तेज हो गई है और नगरीय चुनाव में भी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह बढ़ रहा है। ऐसी चुनाव प्रक्रिया को लेकर नगर सुल्तानपुर में आपातकालीन बैठक थाना परिसर में रखी गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने को लेकर सभी वरिष्ठ जनों से जानकारी लेना था। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक कराने के लिए जानकारी देना था। बैठक में तहसीलदार महोदय एवं थाना प्रभारी ने सभी वरिष्ठ जनों एवं बैठक में आए हुए सभी लोगों को चुनाव के विषय में आवश्यक जानकारी देते हुए संवेदनशील पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी ली। जो भी पोलिंग बूथ संवेदनशील है प्रशासन उस पोलिंग बूथ पर विशेष नजर रखेगा। साथ ही थाना प्रभारी ने आचार संहिता पूर्व रूप से लागू है इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि इस समय कोई भी धरना प्रदर्शन साउंड या किसी प्रकार का प्रयोग ना करे। प्रचार प्रसार में भी जो वाहन उपयोग होगा उसकी विशेष अनुमति ली जाएगी और आने वाले चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से पूर्ण कराया जाए। वहीं इस बैठक में तहसीलदार महोदय थाना प्रभारी और पत्रकार सहित नगर के अनेक वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सुल्तानपुर से संवाददाता सुनील चौधरी की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।